बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है जो कि आसिफ शेख नेपाल के सुपर स्टार, उनको फंसाया जा रहा है रेप के केस में। उनको अभी दर्दा कर दिया गया कि आसिफ शेख भी रेप के केस में फंसाया जा रहा है। ये नेपाल में क्या हो रहा है, समझ से बाहर है। पहले पलसा, अभी संदीप लामेछाने थे, अब आसिफ शेख हैं। जो कि आसिफ शेख नेपाल के एक सुपर स्टार हैं जो कि 22 साल एज के हैं। अब इंडिया के खिलाफ देखे होंगे 58 रन बनाए थे। ये नेपाल के फ्यूचर है, नेपाल के सुपर स्टार है, तो उनको भी अभी फंसाया जा रहा है रेप के केस में। ये क्या हो रहा है, जो नेपाल के अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, सुपर सुपर स्टार खिलाड़ी, उनको फंसाया जा रहा है। अब कितना सही है कितना गलत वो तो मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे जब चलता रहेगा नेपाल टीम के साथ ना, नेपाल खिलाड़ी लोग के साथ, तो नेपाल कैसे ग्रो होगा, नेपाल कैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलेगा। क्योंकि आसिफ शेख इंडिया के खिलाफ जबरदस्त बैटिंग किए थे और उभरता सुपर स्टार थे। आने वाले समय में नेपाल टीम को बड़े बड़े मैच जिताने की क्षमता रखते थे आसिफ शेख। रेप केस का मुद्दा डाल दिया गया है, जो कि न्यूज़ निकल के आया, तो मैं सोचा आप लोग को गाइस बता। अब आसिफ शेख भी लग रहा है कि कोच कचहरी का चक्कर काटेंगे। ये नेपाल में क्या हो रहा है कि बार बार बड़े बड़े खिलाड़ी लोग को तोहमत लगाया जाता है कि रेप केस में फंसा दिया जाता है। इसके लिए बड़े बड़े सुपर स्टार खिलाड़ी लोग क्यों फंसाया जाता है यार। ये नेपाल के फ्यूचर है, नेपाल को पूरा दुनिया में चिन्हाते, पूरा दुनिया में पहचान बनवाते हैं और दिखाते हैं कि नेपाल भी एक क्रिकेट खेलता है, तो उन खिलाड़ी के साथ क्यों ऐसा किया जाता है, इतना बड़े बड़े घटना क्यों किया जाता है। जैसा संदीप लामेछाने अभी कोर्ट कचहरी जा रहे आ रहे, अभी यह भी मालूम चल रहा है कि आसिफ शेख को भी फंसाया जा रहा है। आसिफ शेख को भी रेप केस का धर्ता किया गया है, जो कि आसिफ शेख अभी इंडिया से मैच खेल के श्रीलंका से नेपाल पहुंचे हुए, नेपाल पहुंचते हुए उनका मुद्दा करदार डाल दिया गया रेप केस का। उनका बाकायदा चिट ही है, आप देखे होंगे, बाकायदा चिट उनका डाल दिया गया है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा मालूम तो नहीं है कि आसिफ शेख को लेके जाएंगे जेल में, बंद होंगे नहीं होंगे वो तो अभी कोई पता नहीं है, होगा या नहीं होगा, इसमें कितना सच है कितना सच नहीं है वो जब आसिफ शेख इंटरव्यू वगैरह करेंगे, जब उनके मुंह से कुछ मालूम चलेगा, तभी तो निकल के बात आएगा कि ये कितना सही कितना गलत है। बल्कि मेरा कहने मतलब ये है, अगर ये नेपाल के खिलाड़ी लोग को ऐसा फंसाया जाए या नेपाल खिलाड़ी को सुपर स्टार खिलाड़ी लोग को जेल में डाल दिया जाएगा, तो नेपाल टीम कैसे ग्रो होगा। वैसे हमारे पास खिलाड़ी नहीं है और जो खिलाड़ी खेल रहे हैं तो उनके साथ ये केस कर दिया जाता है, तो नेपाल टीम कैसे ग्रो होगा। हमारे पास उतने खिलाड़ी नहीं है, उतने हमें खिलाड़ी को पैसा नहीं मिलता है, बेकिल फिर भी वो खिलाड़ी लोग जाके पूरा दुनिया में नाम बनाते हैं और चिन्हाते हैं कि नेपाल में क्रिकेट खेला जाता है। बिल्कुल उन खिलाड़ी के साथ ऐसा घटना क्यों किया जाता है, उन खिलाड़ी के साथ ऐसा क्यों किया जाता है कि आसिफ शेख के साथ अभी किया गया, जो कि आसिफ शेख आने वाले समय में नेपाल में सुपर स्टार थे, आने वाले समय में आसिफ शेख बड़े खिलाड़ी बन सकते थे, बड़े बड़े रिकॉर्ड बना सकते थे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा मालूम नहीं है कि आसिफ शेख जेल जाएंगे नहीं जाएंगे। बिल्कुल ये बहुत बुरी खबर है गाइस कि आसिफ शेख सुपर स्टार नेपाल के इंडिया के खिलाफ जाबावर बैटिंग किए थे, इंडिया को बैकफुट में डाल दिए थे, उनके साथ ऐसा करना या वो ऐसा कुछ किए थे नहीं किए थे, जब वो आएंगे तो मालूम चलेगा, जब वो बोलेंगे तब भी मालूम चलेगा कितना सच है कितना गलत। बिल्कुल ये क्यों ऐसा किया जाता है, जो अच्छा खेलता है, जो थोड़ा वो फेम वगैरह मिल जाता है, जो नाम चर्चित हो जाते हैं, जो कि हर उनके बारे में तारीफ करने लगता है, तारीफ करते करते उनका फिर आदमी लोग इतना बुराई कर देते हैं। वैसे हमारे पास खिलाड़ी नहीं है, फिर भी हमारे जो खिलाड़ी हैं खेलते हैं उनको भी फंसा दिया जाता है, मैच फिक्सिंग में फंसा दिया जाता है, हर चीज़ में फंसा दिया जाता है, बाद में उनका करियर खत्म हो जाता है। क्या अभी आसिफ शेख का करियर खत्म हो जाएगा इसके वजह से, जब आसिफ शेख आएंगे मीडिया में बोलेंगे तब मालूम चलेगा किसमें कितना है दम, इस बात में कितना है सच्चाई, तभी आपको मालूम चलेगा। बिल्कुल गाइस ये बहुत दुखी बात है कि जो नेपाल टीम के साथ ऐसा होता है, नेपाल खिलाड़ी के साथ ऐसा होता है। बाकी तो मैं बहुत कम देखता हूँ कि और खिलाड़ी लोग के साथ ऐसा हो, बिल्कुल हमारे नेपाल खिलाड़ी के साथ ऐसा ही होता है, उनको फंसा दिया जाता है, जो अच्छा खेलता है फेम मिल जाता है, थोड़ा बहुत उनका नाम होने लगता है, इसलिए उनको फंसा दिया जाता है। ये अच्छी बातें नहीं है, जो एक नेपाल का सुपर स्टार है जो इंडिया को ताबड़तोड़ बैटिंग करे रन बना के था, नेपाल 230 रन उसके बदौलत बनाया हुआ था, उसी खिलाड़ी को सुपर स्टार खिलाड़ी को आज फंसा दिया गया है। अगर गाइस आप लोग क्या लगता है ये इस बात में कितना सच है कितना सच नहीं है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। जब आसिफ शेख इंटरव्यू वगैरह करेंगे तब मालूम चलेगा इस बात में कितना है दम। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो कर लीजिए लाइक, चैनल को लिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।